सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर टेक्निकल बॉय ट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ये जो इस टाइप का माइक्रोफोन होता है, इसी से रिलेटेड बातें करेंगे। और गाइस, ये जो माइक्रोफोन है, इसको मैंने मेरा जो पुराना फोन था उसके लिए खरीदा था। और गाइस, ये जो अब मेरा नया फोन है उसमें गाइस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और गाइस, इस टाइप से समस्या आपको सभी यूट्यूबर के साथ होता है। और गाइस, इसको फिक्स कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में यही सारे लेके बातें करेंगे और इसको दिखाएंगे कैसे इसको फिक्स करना है। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस टाइप के हेडफोन ले लिया है। और गाइस, इसको हमने किस टाइप से बनाया है, जो हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए किस टाइप से बनाई है, पर हमने एक अलग से एक माइक भी सेट करा है, कैसे सेट किया है वो भी आपको दिखाएंगे। और गाइस, सबसे पहले इसको जो वॉइस क्वालिटी है वो आपको सुनाकर दिखाते हैं। आपको यहाँ पर जो मेरा फोन है उसी साथ सेट करके दिखाते हैं कैसे इसका वॉइस क्वालिटी आ रहा है। तो गाइस, चलिए इसको सेट करते हैं। सो गाइस, आप जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो गाइस इसी से माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो माइक है, आपका जो साउंड है वो आ रहा होगा। तो गाइस, कैसा इसका क्वालिटी आ रहा है आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और गाइस, दूसरी वीडियो से या इससे बहुत डिफरेंस साउंड आपको मिल रहा होगा। तो गाइस, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे मैंने बनाया। और गाइस, इसका कुछ एडवांटेज भी है वो भी आपको दिखाएंगे, इसका सुविधा भी आपको मिलेगा, कहाँ पर आपको मिलेगा वो भी आपको बताएंगे वीडियो पर। तो गाइस, चलिए देख लेते हैं इसको कि मैंने कैसे। और यहाँ पर आप जो मेरा पुराना माइक्रोफोन है वो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और गाइस, इसी से आपको दिखाएंगे कैसे आपको माइक्रोफोन बनाए, मेरे इस टाइप का माइक्रोफोन आपको बनाना है, मेरे टाइप से, मेरे मैंने जैसे बनाया उसी टाइप से आपको माइक्रोफोन कैसे बनाना है इससे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस, चलिए पहले इसका बिल्ड क्वालिटी हम देख लेते हैं कैसे इसका बिल्ड क्वालिटी है, फिर आपको दिखाते हैं। और गाइस, इस माइक्रोफोन के ऊपर जो आपको नॉइस रिमूवर फिल्टर आपको मिलता है, पहले उसको क्वालिटी आप देख लेंगे। अब इस प्लास्टिक फ्रेम के अंदर जो MIC है, पहले उसको हम देख लेंगे कैसे इसके अंदर MIC का क्वालिटी है। तो गाइस, इसके अंदर जो जो चीज़ें थे सभी को आपको दिखा दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको थी। तो गाइस, आप चलते हैं इस मेन वीडियो पर कि कैसे इसको बनाना है हेडफोन के साथ। और गाइस, यहाँ पर जो हमारा माइक्रोफोन है उसको पहले हम सेट कर लेंगे जैसे इसका सेट था उसी हिसाब से। इसका जो नॉइस फिल्टर होता है उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। और इसके जो मेन सिरा है जो हमारा मोबाइल से कनेक्ट होता है उसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। और गाइस, उसके अंदर आपको दो वायर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से आपको और आपको दिखने को मिलेगा। सो गाइस, आपके पास जो नॉर्मल हेडफोन होता है उसको आप लोग नहीं लेना है, जिससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उसी टाइप का आपको हेडफोन लेना है। मेरे टाइप का लेना है ऐसा भी नहीं, आपको किस टाइप का हेडफोन ले सकते हैं जो अपना फ़ोन पर अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। और गाइस, उसका जो मेन सिरा है वहाँ से आपको ओपन कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इसको हम ओपन कर लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर एक माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। और गाइस, इसके अंदर आपको माइक्रोफोन नहीं देखने को मिलेगा जो मेरा हेडफोन है, क्योंकि मैंने पहले इसको अंदर से माइक्रोफोन को निकाल लिया है। और गाइस, माइक्रोफोन के जगह यहाँ पर हमने दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वीडियो पर। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर माइक्रोफोन लगा होता है वहाँ पर हमने दो वायर को सोल्डिंग कर दिया है। और गाइस, वायर को सोल्डिंग करके हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है, ठीक है। बाहर निकल के जो यहाँ पर जो माइक्रोफोन होता है उसको हमने बाहर सेट कर दिया है, कुछ इस टाइप का आपको माइक्रोफोन इसका देखने का मिलेगा। और इसको हमने बाहर पे सेट कर दिया है। इसके अंदर से जो वायर निकलता है उसका फर्स्ट सिरा होगा, वहाँ पर आपको जो माइक MIC होता है उसका आपको इस टाइप से यहाँ पर आपको जोड़ देना है, दोनों पॉइंट के साथ दोनों वायर को जोड़ देना है, ठीक है। और कहीं जोड़ने के बाद आपको जो माइक्रोफोन होगा वो तैयार हो जाएगा। और कहीं उसके ऊपर आपको जो नॉइस रिमूवर फिल्टर होता है वो आपको लगा लेना है, और उसके साथ कुछ प्रोटेक्शन भी आपको लगा लेना है। और कहीं यहाँ पर आपको किसी भी हेडफोन पर इस चीज़ कह सकते हैं, मेरे पास कुछ हेडफोन है उसको आपको दिखाएंगे। ये पर जो सैमसंग हेडफोन आप देख रहे हैं इसके साथ भी आप कर सकते हैं। और गाइस, इसके अंदर सेम जो बोर्ड मिलता है, जो पहले आपको जो हेडफोन दिखाया था उसके अंदर, इसके अंदर भी आपको सेम उसी टाइप का एक बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये पर जो बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसी सेम टाइप का आपको इसके सैमसंग के हेडफोन के अंदर भी आपको इस टाइप का बोर्ड देखने को मिलेगा। और गाइस, जो नॉर्मल हेडफोन होता है, जो मिडरेंज नॉर्मल हेडफोन होता है कम रेट पर, उसको भी आपको दिखाएंगे उसके अंदर खोल के कहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस, ये जो नॉर्मल हेडफोन होता है इसको आपको खोल कर दिखाएंगे।
और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो हेडफोन होता है उसको खोल लिया। और गाइस यहाँ पर इस टाइप का आपको जो एक MIC देखने को मिलेगा। और गाइस उसके अंदर ही आपको दोनों वायर को सोल्डिंग करके इसे यहाँ पर आपको बाहर लेना है। और बाहर लेने के बाद आपको सेम तरीके से इसके अंदर आपके जो अलग से माइक्रोफोन होता है वो आपको लगा लेना है, ठीक है। और इस टाइप का आप करेंगे तो हो जाएगा। और गाइस इस टाइप से आपको माइक्रोफोन बनाने पर क्या आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको बता देते हैं। और गाइस ये जो माइक्रोफोन होता है, ये जो इस टाइप का जो माइक्रोफोन होता है, जब आप YouTube के लिए वीडियो आपको एडिट करेंगे तब आपको जो काइन मास्टर पे आपको अलग से वीडियो पर वॉइस एड करने के लिए मिलता है। और अगर इस माइक्रो से जब अलग से वीडियो पर वॉइस एड करेंगे तब आपको वॉइस एड करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन गाइस जब आप उसको सुनेंगे, ठीक है, फिर बार बार आपको जो हेडफोन होता है उसको आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। और गाइस जब आप इसको बना लेंगे तो गाइस इसको इसी से इसके अंदर से आपको जो आप वॉइस ऐड करेंगे उसको आप सुन भी सकते हैं। और गाइस ये आपको जो कलर आपको जो टी शर्ट होता है वहाँ पर आपको लटक लटका देंगे तो इसके अंदर से आपको वॉइस भी ऐड होने लगेगा। तो गाइस इसका मेन बेनिफिट यही होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। ओके।